नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं पादपों में जनन की यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए, लास्ट क्लासेस के अंदर हमने जीवों में जनन की बात की थी, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल गैमीट फीमेल गैमीट को ये साथ फ्यूज करता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसके फल स्वरूप एक कोशिका बनती है जिसे कहा जाता है युग्मनज यानी कि जायगोट। अब इस जायगोट में डिविजन्स होते हैं और ये विभाजित होकर एक जो है एम्ब्रियो का एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो कि आगे जाके एक नया बच्चा बनाता है। अब अपन बात करेंगे पादपों में जनन की यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। दोनों तरीके से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें आपके पादप के किसी भी भाग से, या तो वो पत्ती है या तना है या जड़ है, किसी भी भाग से एक नया पादप जो है वो ग्रो कर जाए, उसे अपन कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। जो किस विधि के द्वारा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि वानस्पतिक जनन के द्वारा जो है होता है। अब अपन बात करेंगे लैंगिक जनन की, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर क्या होगा भाई, मेल गैमिट बनेगा, नर युग्मक बनेगा और मादा युग्मक जो है यानी कि अंड कोशिका उसको जाके क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, निषेचित करेगा। इसके लिए सबसे पहले अपन को एक फ्लावर की, एक फूल की जो है संरचना मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये है आपके कॉमन फ्लावर पार्ट्स। तो एक फूल के क्या क्या भाग होते हैं, उसी पुष्प के अंदर आपके नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों स्थित होते हैं। देखिए, एक फ्लावर की स्ट्रक्चर में जो बिल्कुल बीच में इस तरीके से प्रेजेंट है, इसको क्या कहा जाता है, ये है आपका स्त्री केसर। क्या है ये? स्त्री केसर, जिसे अपन कहते हैं पिस्टल। अब स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, तो सबसे ऊपर वाला भाग है वर्तिकाग्र, फिर है आपका जो बीच वाला इस तरीके से लंबा भाग आपको दिख रहा है, ये है आपका वर्तिका, और जो फूला हुआ आधारी भाग होता है उसे अपन कहते हैं ओवेरी अंडाशय। तो ये आपका ओवेरी है। इस ओवेरी के अंदर जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्या है अपनी, तो इस ओवेरी के अंदर जो स्ट्रक्चर है इसे अपन कहते हैं बीजांड। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बीज का निर्माण किससे होता है, तो इस बीजांड से ही आपके बीज का निर्माण होगा और इस अंडाशय से जो है फल का निर्माण होगा। राजस्थान एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बीजांड से बीज का निर्माण, अंडाशय से जो है आपके फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, स्त्री केसर। फिर आपको इसके साइड में इस तरीके से ये नजर आ रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये क्या है आपके, इनको कहा जाता है पुंकेसर यानी कि स्टेमेन, जो कि आपका नर जनन अंग है। अब इसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो इस तरीके से जो आपको गुंडीदार संरचना नजर आ रही है इसे अपन कहते हैं एंथर यानी कि पराग कोश। इस पराग कोश के अंदर जो आपके पराग कण होते हैं वो स्थित होते हैं, यानी कि पॉलेंस जो है इस पराग कोश के अंदर स्थित होंगे। ये जो आपका पराग कोश होता है वो द्विपालित संरचना होती है, यानी कि इस तरीके से इसमें दो पाली होती है। जब अपन इन पालियों को खोलते हैं तो चार कोष्ठक नजर आते हैं जिनके अंदर आपके पराग कण मौजूद होते हैं, और ये इस तरीके से लंबा वाला जो भाग है इसे अपन कहते हैं फिलामेंट यानी कि तंतु। आ गई बात समझ में? ये जो आपकी पंखुड़ियां होती है इन्हें अपन कहते हैं पेटल्स यानी कि दल पुंज, और उन पंखुड़ियों के बाहर जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर पाई जाती है उन्हें अपन कहते हैं बाह्य दल यानी कि सेपल। तो एक फ्लावर के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर जो है आपकी प्रेजेंट होती है। अब देखिए, अगर इस फ्लावर की मैं बात करूं तो इसके बीच में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर अपन को नजर आ रही है सबसे बीच में, तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर है वो किसकी है, ये है आपका वर्तिकाग्र। क्या है ये? वर्तिकाग्र। इस पर क्या होगा, कोई भी पराग कण या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या किसी कीड़े मकोड़े के द्वारा, किसी के भी द्वारा जो है, जब पराग कण आएंगे तो वो इसी पर आकर गिरेंगे, यानी कि वर्तिकाग्र पर ही आकर आपके पराग कण चिपकते हैं। आई बात समझ में? ये जो आपको लंबा वाला पार्ट नजर आ रहा है इसे अपन कहते हैं वर्तिका, और ये जो आधारी फूला भाग है इसे कहा जाता है अंडाशय यानी कि ओवेरी। इस अंडाशय के अंदर जो प्रेजेंट होती है इस तरीके से स्ट्रक्चर इसे अपन कहते हैं बीजांड। अब इनसे किसका निर्माण होगा,
बीजांड से आपका बीज का निर्माण हो जाएगा और अंडाशय से आपके फल का निर्माण हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में? इसके बाद जो आपको इस तरीके से साइड में यूं नजर आ रहे हैं, ये क्या है आपके? इनको कहा जाता है आपके पुंकेसर। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। इन पुंकेसर का जो ऊपरी पालित भाग है, इसे क्या कहा जाएगा? पराग कोश कहा जाएगा, जिसके अंदर पराग कण मौजूद होंगे। और जो इस तरीके से डंडी नुमा संरचना है, इसे अपन कहते हैं फिलामेंट तंतु। ये जो पंखुड़ियां हैं, इन्हें कहते हैं दल पुंज। और बाहर की साइड जो ग्रीन वाला पार्ट है, इन्हें कहा जाता है सेपल, यानी कि बाह्य दल। इस तरीके से एक फ्लावर की स्ट्रक्चर जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। आईडिया आई बात समझ में? अब अपन को पढ़ना है क्या? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होगा कैसे? इसके लिए नर जनन अंग चाहिएगा और मादा जनन अंग चाहिएगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए, आपके है नर जनन अंग और यह है आपके मादा जनन अंग। नर जनन अंग के अंदर जो आपका एंथर है, यानी कि जो पराग कोश है, ये पराग कोश के अंदर क्या प्रेजेंट है? अपने पराग कण। क्या? पराग कण, यानी कि पोलेंस प्रेजेंट है। ठीक है भाई, ये जो आपका पराग कोश है, ये द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित। और इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? जब इसको खोला जाता है तो इसमें चार कोष्ठक होते हैं। कितने? चार कोष्ठक जो है आपके इस पराग कोश के अंदर होते हैं, जिसमें आपके पराकण मौजूद होते हैं। अब ये पराकण जो है आपके कहाँ पर जाकर गिरते हैं? तो ये जो मादा जनन अंग है, इसका जो ऊपरी भाग है, इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। इस पर आकर ये गिर जाते हैं। अब देखो भाई साहब, आगे क्या होगा? जो बीच वाला पार्ट है, इसे अपन कहते हैं वर्तिका। और जो आधारी फूला हुआ भाग है, इसे अपन क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय के अंदर अपना क्या प्रेजेंट है? बीजांड प्रेजेंट है। तो ये क्या है आपका? बीजांड। बीजांड से किसका निर्माण होगा? बीज का निर्माण होगा। और इस अंडाशय से जो निर्माण होगा, वो किसका निर्माण होगा? फल का निर्माण होगा। ठीक है, ये जिस पर टिका हुआ है, यानी कि जिस पर प्रेजेंट होता है, उसे अपन कहते हैं बीजांडासन। अब क्या होगा? देखो, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? ये आपके पराग कोश के अंदर पराग कण प्रेजेंट है। इन पराग कणों का इस वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है, यानी कि परागण कहलाता है। क्या? इस पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाना पॉलिनेशन, यानी कि परागण कहलाता है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? पॉलिनेशन, परागण के थ्रू होगा। अब पराग कण क्या हुए? या तो मान लो कि हवा चल रही है, उनके साथ उड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। या फिर कोई कीड़े मकोड़े हैं, वो जो है इन फ्लावर्स पे बैठते हैं, तो इनके पंखों में चिपक जाते हैं, इनके पैरों पे चिपक जाते हैं, क्योंकि इन पराग कण के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। तो या तो उन कीड़े मकोड़े पे, या फिर जो है जल के द्वारा बह कर ये कहां जाते हैं? वर्तिकाग्र तक जाते हैं, स्त्री केसर की। अब यहां पर आगे क्या होगा कि जब ये पराग कण वर्तिकाग्र पर जाएंगे, अब इस वर्तिकाग्र से होते हुए जो है एक पराग नली बनेगी। क्या? एक पराग नली, जिसके अंदर आपका क्या होगा? उस पराग नली के अंदर आपके दो नर युग्मक होंगे। क्या? इस तरीके से दो नर युग्मक होंगे उस पराग नली के अंदर, मेल गैमीट। तो देखो, आपके जो बीजांड की स्ट्रक्चर होती है ना, इस तरीके से मान लीजिए, ये क्या है आपका? बीजांड है। ठीक है, अब ये पराग नली यहां से इस तरीके से आई और इस बीजांड द्वार से होते हुए जो है प्रवेश करेगी। इस बीजांड के अंदर जो है सात कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, एट न्यूक्लिएटेड। तो तीन कोशिकाएं तो यहां पर प्रेजेंट होती है, तीन कोशिकाएं आपकी इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट होती है, और एक कोशिका आपकी बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि डबल न्यूक्लिएटेड होती है, द्वि केंद्र की होती है। कोशिका तो कितनी हुई? सात। केंद्र कितने हुए? आठ। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि त्रिसंलयन किसे कहते हैं? तो त्रिसंलयन का मतलब क्या है? क्वेश्चन यहां से बनेगा, या फिर द्वि निषेचन से क्वेश्चन बनेगा।
कैसे बनेगा? देखो, जब आपके ये पराग नली आई तो इसके अंदर दो मेल गैमीट यानी कि दो नर युग्मक हुए। अब इन दोनों नर युग्मकों में से जो एक नर युग्मक है, मेल गैमीट है, वो क्या करेगा, ये जो आपकी अंड कोशिका है ना, एग सेल, उसको जाके फर्टिलाइज करेगा। तो एक निषेचन तो ये हो गया, ठीक है, इससे हो गया बीज का निर्माण। फिर आपके जो है जो दूसरा नर युग्मक होता है वो क्या करता है, जो ये डबल न्यूक्लिएटेड सेल है जो आपकी बीच में मध्य में स्थित जो कोशिका है उसको जाके फर्टिलाइज करेगा। तो दो बार निषेचन हुआ, एक अंड कोशिका का और एक ये बीच वाली कोशिका का। तो इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, द्वि निषेचन कहते हैं, ठीक है। और साथ के साथ एक केंद्रक इस नर युग्मक का और दो केंद्रक इस सेल के, क्योंकि ये बाय न्यूक्लिएटेड सेल है ना भाई, तो ये जो है तीन केंद्रक आपस में मिलते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, त्रिसलनयन कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया यहाँ पे, त्रिसलनयन। तो इसने, एक नर युग्मक ने इसको जब फर्टिलाइज किया तो इसने कर लिया आपके बीज का निर्माण, क्योंकि अंड कोशिका और नर युग्मक मिले, बीज का निर्माण हो गया। इसने जो है आपके क्या बना लिया, भ्रूण पोष का निर्माण कर लिया, जो कि इस भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा जब तक इसका डेवलपमेंट होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो है ये आपके नर जनन अंग और मादा जनन अंग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। आगे बात समझ में? तो इसमें क्या जो है आपको समझ में आ गया, नर युग्मक ने जाके जो है इनको आके फर्टिलाइज कर दिया। इस प्रोसेस को जब आपके पराग कण वर्तिकाग्र पर आते हैं, इसे अपन कहते हैं पॉलिनेशन यानी कि परागण। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं किसकी, इस पॉलिनेशन की, जिसे कहा जाता है परागण। तो परागण का मतलब क्या होता है कि आपके जो पराग कण है यानी कि पुंकेसर है, उनका कहां पर आना, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर आना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो उस पॉलिनेशन के अंदर क्या हुआ, देखिए ये आपका वर्तिकाग्र वाला सिरा है, यहां पर क्या आ गए आपके पॉलन ग्रेन्स यानी कि पराग कण आ गए। अब इन पराग कणों के आने के बाद यहां पर एक क्या बनी, पराग नली बनी, जिसके अंदर क्या है, नर युग्मक है। उस नर युग्मक ने जो एग सेल है, अंड कोशिका है, उसको जाके क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, जिससे आपके फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जायगोट बना और आगे जाके एम्ब्रियो बना, जिसने आपके एक बीज का निर्माण जो है वहां पर कर लिया, यानी कि एक नया बीज जो है वो बन गया। किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, पॉलिनेशन, परागण के थ्रू हुआ, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका परागण होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्व परागण, स्व का मतलब अपना, यानी कि किसी पुष्प में पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे अपन कहते हैं स्व परागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। फिर आपका आता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण। क्रॉस यानी कि दूसरा, पर यानी कि दूसरा। तो यानी कि एक जब आपके फ्लावर से पराग कण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेंगे तो उसे अपन कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण। इस डायग्राम के अंदर देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन स्व परागण समझा रखा है कि ये जो है आपके क्या है, इस पराग कोश के अंदर पराग कण है जो कि इसी की वर्तिकाग्र पर आकर गिर गए। तो ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन स्व परागण। इस पुष्प के अंदर क्या हुआ कि ये आपका एक पुष्प है और ये दूसरा फ्लावर प्लांट है, यहां से ये जो है पराग कोश से पराग कण इसकी वर्तिकाग्र पर आए हैं, यानी कि दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र पर आ जाए तो इसको कहते हैं पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए कि आपके जो स्व परागण होता है वो दो तरीके का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा वो दो तरीके से होगा। कैसे? जैसे मान लो आपके पास एक फ्लावर है, ठीक है, एक पौधा है, उस पौधे के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक ही फूल आएगा, फूल तो काफी सारे आते हैं। तो अगर उस पौधे में एक फूल है, उस फूल के पुंकेसर जो है यानी कि पराग कण
उसी फूल की वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे अपन कहते हैं ऑटोगैमी। क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी एक ही पुष्प में, यानी कि मान लीजिए ये क्या है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय और ये आपके क्या है पराग कोश। अब इन पराग कोश से परागकण जो है इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ गए तो इसे अपन ने क्या कह दिया ऑटोगैमी कह दिया। आई नहीं आई बात समझ में? अब मान लो कि उसी आपके प्लांट है उसमें एक दूसरा फूल भी है बेचारा, वो भी जाग रहा है कि भाई कुछ हमारा भी देख ले। तो अगर उस ही प्लांट के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पुंकेसर जो है पराग कण स्त्री केसर पर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है गीतोनोगैमी कहा जाता है। एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य प्लांट एक ही होगा लेकिन फूल क्या होंगे अलग अलग होंगे तो इसे कहा जाता है गीतोनोगैमी। तो ये क्या हो गया आपका स्वयं परागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। फिर आपका आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या क्रॉस पॉलिनेशन? तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, एक प्लांट के पुष्प के पराग कण दूसरे प्लांट के पुष्प के स्त्री केसर पर गए तो उसे अपन क्या कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। देखिए पर परागण जिसे अपन क्या कहते हैं एलोगैमी कहते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन एक तो मैंने बता दिया है बीजांड से बीज का निर्माण, अंडाशय से फल का निर्माण पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन द्विनिषेचन और त्रिसंलयन का। तीसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है पॉलिनेशन से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन ये बनता है कि स्वयं परागण को क्या कहा जाता है। जैसे ऑटोगैमी पढ़ा है अपन ने इसी तरीके से एलोगैमी पर परागण को कहा जाता है। एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि चींटियों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, बर्ड्स के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है। इस तरीके का जो है आपसे क्वेश्चन बनेगा परागण के अंदर से पॉलिनेशन के अंदर से। ठीक है तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन को अपन क्या कहते हैं एलोगैमी कहते हैं। क्या कहा जाता है एलोगैमी कहा जाता है। अब एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प पर जैसे मान लीजिए ये एक जो है प्लांट का क्या है एक फूल है इसके पराग कण अब किसी भी पॉलिनेटर के द्वारा ये कोई कीड़ा हो सकता है कोई इंसेक्ट या कोई बर्ड हो सकती है सांप हो सकता है घेंगा हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसके द्वारा अगर एक पुष्प से जो है एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर ये पराग कण जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है एलोगैमी यानी कि आपका पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। स्वयं परागण ऑटोगैमी ठीक है और फिर ये आपका क्या कहलाता है एलोगैमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है चलिए अब देखिए आगे कि ये जो पॉलिनेशन है यानी कि ये जो परागण है दो तरीके से हो सकता है एक जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब क्या होता है जैविक मतलब जीव, सिंपल सी बात है। अगर ये परागण किसी जीव के द्वारा होता है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं जैविक परागण कहते हैं। कोई भी जीव जैसे कि आपके चिड़िया हो गई कोई कीड़े मकौड़े हो गए इंसेक्ट हो गए सांप हो गया अगर उनके द्वारा हो रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है तो वो अपना कहलाता है जैविक पॉलिनेशन। ठीक है फिर आपका आता है अजैविक। तो यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पानी के द्वारा हो रहा है हवा के द्वारा हो रहा है किसके द्वारा या तो मान लीजिए हवा के द्वारा हो रहा है या पानी के द्वारा हो रहा है। पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे अपन हाइड्रोफिली कहते हैं। तो अगर इनके द्वारा हो रहा है तो इन्हें अपन क्या कहते हैं अजैविक क्योंकि ये भाई जीव नहीं है ये तो कोई एबायोटिक फैक्टर है कॉम्पोनेंट्स है उनके द्वारा हुआ तो उसे अपन ने कह दिया अजैविक परागण। आई बात समझ में? देखिए अब अपन एक एक करके जो है पढ़ते हैं जैविक और अजैविक के बारे में। इसमें क्वेश्चन सीधे सिंपल ये बनेगा कि इसके द्वारा अगर परागण होता है तो उसे क्या कहा जाता है इसके द्वारा परागण होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है चलिए
देखिए, अगर आपके किसी भी कीड़े के द्वारा, इस तरीके से किसी भी कीड़े के द्वारा परागण होता है तो उसे कहा जाता है एंटेमोफिली। क्या कहा जाता है? एंटेमोफिली कहा जाता है। अगर किसके द्वारा हुआ? कीड़ों के द्वारा हुआ तो कहा जाएगा एंटेमोफिली। ठीक है, दूसरा, अगर पक्षियों के द्वारा परागण हुआ, इस तरीके से पक्षी जो है क्या करते हैं, रस चूसते हैं उसमें से, अगर इनके द्वारा परागण हुआ तो इसे कहा जाता है ऑर्निथोफिली। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ठीक है, अगर आपका परागण घेंगे के द्वारा हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? तो मेलेकोफिली कहा जाता है। इस तरीके से स्नेल के द्वारा अगर हुआ, आप सोच रहे होंगे क्या इनके द्वारा भी होता है? अरे बहुत जो चीजें हैं अपनी नेचर के अंदर होती है, बट उनको पता भी नहीं होती। तो अगर इसके द्वारा होता है तो इसे क्या कहा जाता है? मेलेकोफिली कहा जाता है। अगर आपका जो है चींटियों के द्वारा यानी कि आंट्स के द्वारा होता है तो उसे कहा जाता है मर्मेकोफिली। क्या कहा जाता है? मर्मेकोफिली कहा जाता है। किसके द्वारा? चींटियों के द्वारा होगा तो उसे अपन कहेंगे मर्मेकोफिली। ठीक है, और लास्ट में जो है, अगर चमगादड़ के द्वारा परागण हुआ तो उसे कहा जाएगा फिरेप्टेरोफिली। अगर आपके सांप के द्वारा हुआ तो उसे कहा जाएगा ओपियोफिली। अगर पानी के द्वारा हुआ तो उसे कहा जाएगा हाइड्रोफिली। और अगर अपने हवा के द्वारा हुआ तो उसे कहा जाएगा एनिमोफिली। ये आपका हुआ क्या? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि आपके पौधों के अंदर जनन। क्वेश्चन बहुत सिंपल बनेगा। जो है सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक पुष्प के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। तो देखो, आपके सबसे पहले बाह्य दल होते हैं सबसे बाहर, फिर आपके पंखुड़ियां जो है उन्हें कहा जाता है दलपुंज, फिर उसके अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं क्या जो है पुंकेसर, पुंकेसर के अंदर जो आपके ऊपर कोष्ठक वाला भाग है उसे क्या कहा जाता है? पराग कोश, जिसके अंदर आपके परागकण मौजूद होते हैं। द्विपालित संरचना है, चार कोष्ठक इसके अंदर होते हैं, और इसमें जो है लंबी तंतु रूपी संरचना है उसे कहा जाता है फिलामेंट यानी कि तंतु। फिर आपके आता है स्त्री केसर, स्त्री केसर जो है उसके तीन भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर आपका बीजांड प्रेजेंट है, बीजांड से बीज का निर्माण क्योंकि इसके पास होती है अंडकोशिका एग सेल, अंडाशय से आपके फल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर अपने जो है ये हो गया स्त्री केसर। अब जो है पुंकेसरों का यानी कि पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर आना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ये पॉलिनेशन होने के बाद एक पराग नली का निर्माण होता है जिसके अंदर दो नर युग्मक एक अंडकोशिका को फर्टिलाइज करेगा, जिससे आपके बीज का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, दूसरा नरयुग्मक आपकी जो ध्रुवीय कोशिका है उसको, अब वो जो है आपकी बायन्यूक्लिएटेड सेल है द्वि केंद्र की, इसीलिए इसको कहा जाता है त्रिसलयन, और दो बार निषेचन हुआ तो इसे कहा जाता है दोहरा निषेचन। ठीक है, फिर आपके ये जो परागण है वो दो तरीके का, सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर एक पादप के पुष्प का, एक पुष्प का उसी के साथ जो है क्या किया हो जाए कि मतलब उसके परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए, या फिर उसे कहा जाता है ऑटोगेमी, या फिर दूसरे उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए। ठीक है, इसे कहा जाता है स्व परागण। फिर आपका आ जाता है क्या? क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। एक पादप के पुष्प के पुंकेसरों का दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरना क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये आपके जो है जैविक और अजैविक। यदि किसी भी जैविक यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सांप के द्वारा हो रहा है, चींटियों के द्वारा हो रहा है, घेंगे के द्वारा हो रहा है, या फिर आपके किसी बर्ड्स के द्वारा हो रहा है, कीड़े के द्वारा हो रहा है, तो ये आपका क्या है? जैविक परागण। अगर ये आपके पानी के द्वारा हो रहा है या हवा के द्वारा, वर्षा के द्वारा हो रहा है, तो इसे कहते हैं अपन अजैविक परागण। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग जो है इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।